सफलता बार बार एवं छोटे छोटे प्रयासों का प्रतिफल होती है। दिन के अंत में इस बात का अवलोकन जरूर कीजिएगा कि आज दिन भर में हमने क्या पढ़ा है और कितना हमने अचीव किया है और कितना हम अचीव नहीं कर पाए। जब तक आप ये सारे कार्य नहीं करेंगे तब तक सफलता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौरव निरंजन एक बार पुनः आप सभी का अपनी ऑनलाइन संस्था टारगेट बेतालुक में स्वागत करता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को निरंतर रख रहे होंगे। COVID-19 जिससे आज न केवल हम और आप बल्कि पूरी दुनिया खतरे में है, इस समय जागरूक होना, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, अपने बूढ़े बुजुर्गों की और छोटे भाई बहनों की देखभाल करना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में निरंतरता को रखना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा इस समय कर्तव्य है। और आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आपको एक अच्छी सीट दिलाने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था टारगेट बेतालुक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और निरंतरता आपके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस एपिसोड में मैं आपको, जैसा कि अपने थंबनेल में देखा है, उत्तर प्रदेश की नदियों से अवगत कराऊंगा। हालांकि मैंने गंगा नदी आपको पहले ही पढ़ाया है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, कहां से एंट्री होती है, सारी चीजों से हम पहले भी अवगत करा दिए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसे एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइएगा बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां। अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। कहां की नदियों को, भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण जो है वो तीन भागों में किया गया। पहला, ऐसी नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र से होती है उनके लिए एक शब्द यूज किया गया और उनके लिए शब्द यूज किया गया हिमालयी नदियां। क्या शब्द यूज किया गया, हिमालयी नदियां। दूसरी बात, ऐसी नदियां हैं जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया गया मैदानी नदियां। उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियां, और उत्तर प्रदेश में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं उनको नाम दे दिया गया पठारी नदियां। तो उत्तर प्रदेश की नदियों का यह वर्गीकरण हो गया, तीन भागों बांटा, हिमालय से निकलने वाली नदियां, मैदानी नदियां और पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा और यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, ठीक ना, आदि, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं आदि। सरयू नदी या सरजू नदी भी इसी में आती है। मैदानी नदियों की बात करें तो जैसे गोमती, सई, गोमती और सई नदी, ये दो नदियां आपको याद रखनी, गोमती और सई नदी आदि। पठारी नदियों की बात करें तो बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल, केन, सिंध, टोंस एवं सोन नदी, एवं सोन नदी। देखिएगा इन नदियां की उत्पत्ति पठार से होती है, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र से भी छोटी छोटी से कुछ नदियां निकलती हैं और कुछ नदियां अन्य पठारी क्षेत्रों से होते आती हैं, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से बहते हुए किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण है, इसको आप अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको आपको बखूबी समझना होगा। चलिएगा तो उत्तर प्रदेश की नदियों का हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिएगा इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा है, इस प्रकार से और इस प्रकार, ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा है और एक पूर्वी सीमा है। यहां पर अगर बात की जाए ऐसे इस प्रकार, तो एक नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा नदी। गंगा नदी
कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे जो हम आपको गंगा नदी पढ़ा चुके हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, पिंडार है, मंदाकिनी है। इन नदियों के बाद जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं, तब कहीं जाके कौन सी नदी का निर्माण होता है, तब कहीं जाके बनती है गंगा। तो गंगा नदी उत्तराखंड से आती है और उत्तराखंड से सबसे पहले उत्तराखंड के क्षेत्र से आती है और उत्तराखंड से आने के बाद सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? बिजनौर। हमने जो गंगा नदी का पार्ट पढ़ाया था उसमें शायद मैं गलती से सहारनपुर बोल गया था, यमुना की जगह। तो याद रखना है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद मेरठ से होते हुए कन्नौज, मेरठ, प्रयागराज, बनारस से होते हुए ये निकल जाती है कहां? ये चली जाती है बिहार। और बिहार के बाद कहां चली जाती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे प्रवेश कहां से होता है? बिजनौर से। और इसका निकास कहां से होता है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा है? बलिया। अगर बात करें गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 75 जिलों में से 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहां पर मान लीजिएगा यहां पर एक शहर है और इस शहर का नाम है प्रयाग। इस शहर का नाम क्या है? प्रयाग यानी इलाहाबाद। गंगा नदी के समांतर एक नदी बहती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इस नदी की बात करें तो जो येलो कलर से बनाए हुए हैं, इस नदी का नाम है यमुना। कौन सी नदी है? तो यहां पर जो नदी है इस नदी का नाम है यमुना। और यमुना कहां से प्रवेश करती है? तो यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। सहारनपुर से प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है तो आगरा है, मथुरा है, इटावा है, ठीक ना, आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी है, कौशाम्बी है, हमीरपुर है, बांदा है, आदि शहर इस नदी किनारे बसे हुए हैं। सहारनपुर से आगे प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है तो यहां पर एक शहर आपको याद रखना है और इस शहर का नाम यहां पर लिख रहा हूं मैं, इटावा। इटावा के आगे यहां पर औरैया है, औरैया। अभी अभी यहां पर आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा, यहां पर एक अभी दुर्घटना हो गई है, औरैया, औरैया, औरैया के आगे बढ़ेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक शहर है या एक छोटा सा कस्बा है कालपी। कालपी के आगे बढ़ेंगे तो हमीरपुर, हमीरपुर के आगे बढ़ेंगे तो बांदा, हमीरपुर और बांदा, ये शहर आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। इटावा में इस नदी से आकर एक नदी मिलती है, एक नदी आ रही है जो इटावा में इस नदी से जाकर मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है चंबल। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पहले बता चुके हैं, चंबल नदी बिहार क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। चंबल के डाकू नाम सुने होंगे। तो चंबल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना। तो चंबल किसकी सहायक होगी? यमुना। औरैया के पास में एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है सिंध। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है सिंध। जालौन से होते हुए बहती है, ये जालौन जिला है, जालौन जिले से होते हुए और औरैया में जाकर मिलती है। उसके बाद हमीरपुर में एक नदी नीचे पठारी क्षेत्र से आती है, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र से, और इस नदी का नाम है बेतवा। नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेतवा। बेतवा नदी पर बांध है माता टीला बांध, एक परीक्षा बांध। माता टीला बांध और परीक्षा बांध किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर निर्मित है। हालांकि बांधों में हम इसका अध्ययन और अच्छे से करेंगे। और एक नदी आती है बुंदेलखंड प्लेटू से होते हुए और ये बांदा में जाकर किस नदी से मिल जाती है? बांदा में जाकर जिस नदी से मिलती है उस नदी का नाम यमुना है। और अगर इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है के, जिसे पहले कर्णावती नाम से जाना जाता था, के नदी। केन बेतवा नदी न केवल बुंदेलखंड बल्कि मालवा पठार से प्रवाहित होते हुए आती है और कहां? बुंदेलखंड पठार से होते हुए हमीरपुर और बांदा में अपना पानी किसको दे देती है? यमुना। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जिस नदी की सहायक नदियां हैं उसका नाम है यमुना। और यमुना किसकी है? तो यमुना है गंगा की सहायक नदी। और यमुना गंगा की सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी है, गंगा की सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। प्रयागराज के आगे यहां पर एक शहर है, प्रयागराज के आगे
सिरसा नामक स्थान है, सिरसा। इस सिरसा नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली, कहां से? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी है जो यहां पर आकर किस नदी मिलती है? गंगा में। नदी का नाम है, तो इस नदी का नाम है टोंस नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है टोंस नदी। क्या नाम है? टोंस नदी। आगे बढ़िएगा, यहां से बलिया के बाद ये नदी कहां चली जाती है? पटना, बिहार। और बिहार में यहां पर दो शहर आपको याद रखने हैं, बिहार में यहां पर दो शहर आपको याद रखने हैं, एक का नाम है छपरा और एक का नाम है छपरा और एक का नाम क्या है? पटना। पटना, एक का नाम छपरा और दूसरे का नाम क्या है? पटना। एक का नाम छपरा और दूसरे का नाम पटना। पटना में आकर एक नदी मिलती है, पटना में एक नदी मिलती है गंगा नदी से, जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी के बारे में पहले भी चर्चा हुई है, बघेलखंड पठार से प्रवाहित होती है। बघेलखंड पठार कहां पर? बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। मैं इसमें बना नहीं रहा हूं, केवल समझा रहा हूं, यह बात मैं पढ़ा चुका हूं क्योंकि यहां स्पेस भी नहीं है इसलिए, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी निकल गया इसलिए। तो सोन नदी जो है वो पटना में आकर किस नदी से मिलती है? गंगा। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद, और रिहंद नदी पर कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। जबकि सोन नदी पर सोनभद्र जिले में, सोन नदी पर सोनभद्र जिले में एक आपको याद रखना है जलाशय जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। कौन सा जलाशय है? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है, या एक मानव निर्मित, और मानव निर्मित के लिए हम आर्टिफिशियल इंग्लिश में या इसी के लिए कृत्रिम शब्द यूज करते हैं। तो यहां पर एक कृत्रिम जलाशय है सोनभद्र में, किस नदी पर? तो सोन नदी पर, ठीक ना। बाणसागर परियोजना भी बताए थे हम, उत्तर प्रदेश बिहार बाणसागर परियोजना भी बताए थे हम आपको, जो कि तीन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक ना। चलिएगा, अब गंगा नदी के उत्तरी भाग से आने वाली नदियों को समझते हैं। तो कुमायूं उत्तराखंड के क्षेत्र से, यहां मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र से एक नदी आती है और गंगा में मिलती है। जहां पर यह नदी मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है? तो इस स्थान का नाम है कन्नौज। कहीं कहीं पर हरदोई लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर कन्नौज। नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है रामगंगा। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज, और कहीं कहीं पर हरदोई लिखा मिलेगा, कन्नौज या हरदोई के क्षेत्र में आकर एक किस नदी से मिल जाती है? गंगा। रामगंगा नदी किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक शहर का नाम है बरेली जो सुरमा के लिए फेमस है और दूसरे शहर का नाम है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद और बरेली शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? आप बताएंगे कौन सी नदी? रामगंगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर कौन सा महत्वपूर्ण शहर याद रखना है? बरेली सुरमे के लिए जाना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यहां पर बिल्कुल पीलीभीत जिला, और इस पीलीभीत जिले में एक झील है, झील का नाम है फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील। इस फुलहर झील से एक नदी निकलती है, इस फुलहर झील से एक नदी निकलती है और ये नदी यहां से होते हुए प्रयागराज के आगे, बनारस के आगे गाजीपुर में, कहां पर? गाजीपुर में गंगा से मिलती है। नदी की बात करें तो नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है गोमती। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम गोमती। गोमती नदी किनारे आपको दो शहर याद रखने हैं महत्वपूर्ण, एक का नाम लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम जौनपुर है जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज जौनपुर और नवाबों का शहर लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद एक नदी है जो नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से होते हुए नदी कहां चली जाती है? बिहार, और बिहार में पटना में छपरा में जाकर ये गंगा से मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है घाघरा। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है
घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी से नेपाल के क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी मिलती है यहां पर, और जो नदी यहां पर मिलती है इस नदी का नाम क्या है? शारदा। कौन सी नदी है? शारदा। और शारदा जहां पर मिलती है यहां पर एक स्थान याद रखना है, बहराम घाटपुर। बहराम घाटपुर, कौन सा? बहराम घाटपुर। और नेपाल के क्षेत्र से ही निकलने वाली एक नदी और है जो मिलती है घाघरा नदी से, और घाघरा से जिस स्थान पर मिलती है इस स्थान का नाम क्या है? तो इस स्थान का नाम है देवरिया। यानी देवरिया जो है वो घाघरा और जो नदी बनाए हैं इस नदी का नाम है राप्ती। घाघरा और राप्ती नदी के किनारे स्थित है, संगम पर स्थित है देवरिया, जबकि शारदा और घाघरा के संगम पर बहराम घाटपुर स्थित है। उसके बाद राप्ती नदी के किनारे अगर बात करें तो राप्ती नदी किनारे आपको एक शहर और याद रखना है, और इस शहर का नाम है गोरखपुर। शहर का नाम क्या है? तो यहां पर एक शहर और याद रखेंगे हम लोग, गोरखपुर। गोरखपुर कौन सा शहर है? तो यहां पर एक शहर याद रखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर शहर जो है कई सारी किताब पढ़ेंगे तो राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। एक छोटी सी नदी आती है रोहिणी जो यहां पर आकर मिल जाती है। उसके बाद नेपाल के क्षेत्र से ही एक नदी और आती है जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कौन से जिले? महाराजगंज में प्रवेश करती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाते हुए बिहार में चली जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाते हुए बिहार में चली जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है गंडक नदी। आपको किसी भी नदी का उद्गम स्रोत याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश की और कौन कौन से शहर उसके किनारे स्थित है और वो किस नदी से जाकर मिली। अगर बात करें तो यहां से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम गंडक है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। उसके बाद बिहार में पटना के आगे सोनपुर नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिलती है। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक मानचित्र है। एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे समझिएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन एक किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। जबकि विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली टोंस नदी किसकी सहायक है? गंगा की। सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो अपना पानी किसी दूसरी नदी को दे दे और अपना जीवन समाप्त कर देती है, उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम यमुना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे अधिक लंबाई बदायूं में है। आपको एक ऐसा प्रश्न लिखा मिलता है कि कौन सा जिला गंगा नदी के या कौन से जिले की तट सीमा यानी तटीय लंबाई जो गंगा नदी किनारे है वो सबसे अधिक है? तो बदायूं की। 28 जिलों में बहती है। कौन कौन से हैं? कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको अपने आप से पढ़ने हैं, ठीक ना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 19 जिलों से होकर बहती है और प्रयागराज में आकर अपना पानी गंगा को दे देती है। जल्दी से बाबू उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, एक गंगा कार्य योजना पढ़ना है, गंगा एक्शन प्लान जिसको गंगा कार्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने पॉइंट वाइज लिखा है, आपके लिए की गई मेहनत है और ये मेहनत इसलिए की जा रही है कि अंतिम रूप से आपका चयन हो जाए। देखिएगा, गंगा कार्य योजना शुरुआत 1985 में हुई जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत किस सरकार ने की? राजीव गांधी सरकार। कब? 1985। और 1985 में जब इसकी गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई तो पहला प्रश्न उठता है, सर इसके अंतर्गत क्या होने वाला है? तो इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी को स्वच्छ बनाए जाने की योजना बनाई गई। गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित थी, उसको स्वच्छ बनाए जाने की योजना बनाई गई और इसके लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण एक संस्था बना दी गई जो गंगा नदी में साफ सफाई के लिए जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करेगी। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण को हम CGA के नाम से संबोधित करेंगे। सी का मतलब सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। उसके बाद 1986 में गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण जिसको गैप वन, गैप फर्स्ट,
गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण कब शुरुआत हुआ? 1986 में, और इसमें भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। सर ये क्या होता है? अंतरदेशीय का मतलब होता है एक किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। जलमार्ग पानी में जाने के लिए जो हम रास्ता बनाते हैं उसको हम जलमार्ग कहते हैं। तो भारत में भौगोलिक सीमा के अंदर नदियों में जो जलमार्ग बनाए जाते हैं, उन जलमार्गों के बनाने, उनके रख रखाव, उनके प्रबंधन का कार्य कौन करता है? भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण। कब स्थापना हुई? 1986 में। और जब इसकी 1986 में स्थापना हुई तो इसने पहले NW यानी नेशनल वाटरवे संख्या एक, नेशनल या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का निर्माण किया। कहां से कहां के मध्य? हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य। कहां से कहां के मध्य? इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य इसका विकास किया गया, ठीक ना, इसका विकास किया गया। ये याद रखना है 1986 में। उसके बाद 1991 में गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। कब? 1991 में। उसके बाद 1992 में गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण में गंगा की सहायक नदियों को सम्मिलित कर दिया गया, जैसे यमुना और जैसे दामोदर। गंगा और उसकी सहायक नदियों को, गंगा की सहायक नदियों को सम्मिलित कर दिया गया, क्योंकि यमुना और दामोदर भी अत्यधिक प्रदूषित नदियां थी। यमुना नदी किनारे कई सारे औद्योगिक शहर हैं और वहां पर दामोदर नदी झारखंड में बहती, वहां भी कई औद्योगिक इकाइयों का विकास किया गया था। कब? 1994 में गंगा में उसकी दो सहायक नदियां, मुख्य रूप से दो जोड़ी गई थी, यमुना, एक का नाम यमुना और दूसरे का नाम दामोदर, यमुना और दामोदर। उसके बाद 1994 के बाद 1995 में जो CGA था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब इसका नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अब इसका नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताएं, गंगा। गंगा को किस वर्ष नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? वर्ष 2008 में दिया गया। उसके बाद वर्ष 2014 में मोदी सरकार के द्वारा गंगा की साफ सफाई के लिए, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना या नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। कब? वर्ष 2014 में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ की गई, नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रकार से आइएगा, आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 29 जनवरी कुंभ का समय है, कुंभ लगता है इस टाइम। 29 जनवरी 2019 में जब उत्तर प्रदेश में के इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन था, उसी समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी संगम नगरी में यूपी कैबिनेट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और उस डिसीजन में प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई, यानी प्रयागराज शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण की योजना की गई। ये एक्सप्रेसवे है क्या? एक सड़क मार्ग बनाया जाएगा, एक पुल बनाया जाएगा जहां जहां नदी बहती है गंगा, गंगा जिन जिलों से होकर बहती है, गंगा नदी के किनारे किनारे उन जिलों से होते हुए एक हाईवे बनाया जाएगा, एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, उसी का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। लागत 3600 करोड़ होगी इसकी। इसकी लागत 3600 करोड़ तय की गई। दूरी के संदर्भ में कहीं पर इसकी 628 दूरी मिलती है, कहीं पर 594 मिलती है, कहीं पर लगभग 600 मिलती है। एग्जिट जो है वो 628 है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर सीधा सीधा सर्च करेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे, लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे, तो आपको 628 दिखेगा। इसलिए ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अब कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा? 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये स्टार्ट होगा मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम में है। मेरठ से अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज इसका प्रथम चरण है। प्रथम चरण में प्रयागराज तक है और जब इसका निर्माण हो जाएगा उसके बाद इसका द्वितीय चरण किया जाएगा स्टार्ट, जिसमें प्रयागराज से भदोही, भदोही से जौनपुर, जौनपुर से वाराणसी, वाराणसी से बलिया तक इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। प्रथम चरण इसका यही है। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है। इसमें आपको याद ये भी पूछ सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण क्यों किया जा रहा है? कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, संचार को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से
जोड़ने के लिए। किसका निर्माण किया जा रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। बकाया सारी डिटेल आपके सामने है, ठीक ना। तो ये जो नदी थी, इस नदी का नाम क्या था? इस नदी का नाम था गंगा नदी। अब गंगा नदी से संबंधित अन्य फैक्ट भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। गंगा नदी किन किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार याद रखना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में क्या करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद बिहार और झारखंड के मध्य में भी ये सीमा का निर्धारण करती है। तो उत्तर प्रदेश बिहार आपको याद रखना है। गंगा नदी कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 है, जबकि संपूर्ण गंगा की लंबाई जो है वो कितनी है? वो संपूर्ण गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है, हो गया। तो एक गंगा नदी थी। इसके बाद ये नदियां, जैसे ही आपकी उत्तर प्रदेश की नदियां समाप्त हुई, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका हम एक टेस्ट लेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, तथ्यात्मक चीजें अधिकांश रहती हैं, उन तथ्यात्मक चीजों को आप कैसे याद कर सकते हैं, उन तथ्यात्मक चीजों को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा मिलेगा उसमें उत्तर प्रदेश का, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश के भौतिक और भूगर्भिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और उत्तर प्रदेश की नदियां, यहां तक पूरा का पूरा एक 30 से 40 प्रश्नों का एक प्रश्न होगा, जिसको हम यहाँ स्क्रीन पर लगाएंगे और आपसे आंसर की आकांक्षा करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सके, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए यही, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया जारी है, आप एडमिशन ले सकते हैं।